जित चाजर उत पैर पसारी रही ले सदाचारी बाकिर मुंह में अंगुरी डालल वालन के बाकिर मुंह में अंगुरी डाले वालन के कैसे पुचकारी। नीतीश कुमार के जितना कमजोर समझल जा रहा बा उतना कमजोर नीतीश कुमार बाड़न ना। लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिहार के 40 सीट पर एलो के जबरदस्त इन्फ्लुएंस हो गई बा। 5 हाली नरेंद्र मोदी भी आ गई ले। लेकिन उकरा से ज़्यादा प्रभावशाली नीतीश कुमार नजर आई है। जब जब 2005 से पहले के बात शुरू करता है तब तब जौन लोग जंगल राज के बात करेला जौन लोग 15 साल के लालू और राबड़ी देवी के शासन के बात करला उनका देह में जाड़ हो जाला। 5 सीट पर दूसरका चरण में सब सीट पर उनका चुनाव लड़ रहे जबकि गया में जीतन राम मांझी के काम समाप्त हो गई बा। 1 सीट उनका लगे रहे और 1 सीट पर उनका भविष्य कैद हो गई बा ईवीएम में। अब उझाता दावा उनकर बा और उनकर खुशी बता रहा बा कि वो केंद्र में मंत्री बन रहा बा। गोड़ा लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बा। 2.5 महीना 3 महीना हो गई 26 जनवरी के रुवलों के सामने आई रही। उकरा बाद आज मौका मिलल है और मौका निकलनी है। रोल जानते नहीं कि चुनाव के घोषणा हो गई एक बाद पहले रुआ देख लो कब कि सरकार में उथल पुथल मच गई। ये सब के लेकर के और बजट सत्र चलत रहे वो बीच में भी रुआ लोग से मुलाकात ना हो पाओल। लेकिन जानते मैंने रुआ कि मन के हुलस के रुआ लोग से दूर रहे के जो हमारा कष्ट बा ओकरा के कैसे रुआ लोग से बयान करी हम। बस अतने बात रुआ लोग से कहे आ रहा बानी कि 2 चरण के चुनाव के बाद 3रा चरण के ठीक पहले रुआ लोग के सामने आवे के पीछे कारण बा कि पूरा चुनाव अब रुआ लोग के साथे हम रहब और एगो कम से कम बिहार और देश की दुनिया में जो चल रहा बा खास करके इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रहा बा महाभारत 2024 के जो आगाज हो गई बा ओकरा के लेकर के रुआ लोग से अब लगातार जुड़ा रहब और रुआ क्षेत्र में पहुँचब। अब तक ले जहाँ जहाँ चुनाव होइल या तो सीमांचल के कोसी के मिथिलांचल के क्षेत्र रहा था अब इन्हें वो क्षेत्र से होते हुए मगध में अंग प्रदेश में एक साथ साथ शाहबाद में प्रवेश कर रहा बुड़े भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में भी पूरा चुनाव के प्रक्रिया के अंतिम चरण चल रहा बा। 3रा चरण के चुनाव के पहले जो कुछ भी भइल ओकरा बारे में रुआ के बताई ओकरा पहले रुआ लोग के 2 गो लाइन बताओल बड़ी जरूरी समझनी है। कारण कि आज जो रुआ लोग के सामने आई है इनमें कितना लोग हमारा से हारा हाँकी लोग ताल ठोकत रहा कि का अब तहार भोजपुरी ना हुई भोजपुरी हुई भोजपुरी तो हमारा अंगे अंग में बसल बा हेरा में बसल बा भोजपुरी हम ओढ़ी ले पेन्ही ले बिछाई ले सूती ले सब भोजपुरी में करी ले। रुआ लोग बहुत अच्छा से जानता नहीं बस 2 गो लाइन रुआ लोग के सामने कह के आ हम ये विश्लेषण के आज पूरा करब। कारण कि ये विश्लेषण में आज जो हम बात कहे जा रहा बानी ओकरा में पहला और 2रा चरण के बाद बहुत सारा ऐसा बात बा जौन रुआ लोग से हमारा कहे के बा। तो हम 2 गो लाइन जो कहल चाहता नहीं कि जित चादर उत पैर पसारी रही ले सदाचारी जित चादर उत पैर पसारी रही ले सदाचारी बाकिर मुंह में अंगुरी डालल वालन के बाकिर मुंह में अंगुरी डाले वालन के कैसे पुचकारी। एक खाली फिर से रुआ लोग के हीरा से अभिनंदन करतानी और शुरू करतानी आज के जो खूटा ठोक पर रुआ लोग के विषय पूरा लेके आयल बानी कि आखिर कैसे आगे के चुनाव और जो 2 चरण के बीतल ओकरा में का भइल आगे के चुनाव में का हुई और कौना कौना तरह के स्ट्रेटजी बनावल गई बा। पूरा रुआ भारत लाइफ पर देख लो कि हम रोज रुआ लोग से जुड़ो तानी कई गो एपिसोड और कई तरह के जो बात निकल के आ रहा बुड़े उस सब रुआ लोग के सामने हम बता रहा बानी। आज हम जो विषय लेके आयल बानी वो विषय पर रुआ लोग से बात कर और 2रा चरण के चुनाव हो गई और पहला और 2रा चरण के चुनाव में जब 4 सीट पर पहला चरण में और 5 सीट पर 2रा चरण में भइल तो ओकरा बाद ई बात दावेदारी होके लागल दोनों तरफ से जानल रुआ लोग ऐसे जरूरी बा कि जौन हम बतावत आ रहा रही हैं उ चुनाव से ठीक पहले इस सारा बात रुआ लोग बता दे रहे हैं कि चुनाव कैसे हुई चुनाव में का हुई इहो बात रुआ लोग से बता दे रहे हैं कि बहुत दिन तक नीतीश कुमार बर्दाश्त ना करी हैं नीतीश कुमार महागठबंधन में घुटन महसूस करता रहन एक बार फिर से NDA में जा सकलन। ये सब बात के लेकर के अलग अलग तरह के हमरा पर भी आरोप प्रत्यारोप लागल कि ऐसे ही हवा हवाई कोनो बात करी। लेकिन आज जौन रुआ लोग से 2.5 महीना पहले बात कर ले रहे हैं 3 महीना पहले उ सारा बात अब एक एक करके रुआ लोग के सामने आ चुकल बा। यही चलते कुछ ऐसा बात रहे जौना के लेकर के हम थोड़ा सा नाराजगी भी रहे कुछ लोग से खास करके हमरों के लोग कहेला कि गोदी मीडिया फलान ठेकान ये सब। लेकिन हम ओकरा से बिल्कुल अलग बानी हमारा ना कोई आका बाड़े ना कोई बाका बाड़े हम सीधा सीधा जौन बात जानी ले जौन समझी ले जौन हम आकलन करी ले वो उर्वल के सामने रख दी ले।
पहला और दूसरा चरण में दावेदारी दोनों तरफ से बा। यह बात से हम इनकार ना कर सकेले कि लड़ाई कांटे के बा, लेकिन नीतीश कुमार के जितना कमजोर समझल जा रहा बा उतना कमजोर नीतीश कुमार बाड़न ना। नीतीश कुमार के शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के रूप से रुआ कमजोर कह सकेले, कारण कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कुछ बोल देता रहन जौना के लेकर के उनका खूब किरकिरी भी होता, लेकिन ओकरा साथ साथ वो संभाल भी लेता रहन। नीतीश कुमार जो कहल जात रहे ये चुनाव से पहले कि बहुत कमजोर बा, अचानक से नीतीश कुमार मास्टर ब्लास्टर लेखा काम करे लगले। एक में रुआ से उतने बात कह कि लालू के लीला और मोदी के गारंटी, ये दोनों के बीच में नीतीश और चिराग ये दू गो ऐसा फैक्टर आगे बढ़े। हालांकि हमें और भी लोग फैक्टर बा उनको बात रोक बताई, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिहार के 40 सीट पर ये लोग के जबरदस्त इन्फ्लुएंस हो गई बा। एक तरफ नीतीश कुमार अपना पुराना ढर्रा पर तैयारी शुरू कर दिले बड़े, भले ही उनकर विरोधी नीतीश कुमार पर हमला मत करस, लेकिन नीतीश कुमार नून रखे के जगह नहीं छोड़त। पहलका राउंड के चुनाव में रुआ देखल होकब कि नरेंद्र मोदी के मंच पर पांच हाली नरेंद्र मोदी भी आ गई, लेकिन ओकरा से ज़्यादा प्रभावशाली नीतीश कुमार नजर आइले है। नीतीश कुमार के नजर आवे के पीछे कारण बा कि नीतीश कुमार के अभी भी जब जब 2005 से पहले के बात शुरू करता है तब तब जौन लोग जंगल राज के बात करेला, जौन लोग 15 साल के लालू और राबड़ी देवी के शासन के बात करला, उनका देह में जाड़ हो जाला। ये बात हम नहीं कह, बात एहसास दिलावे खातिर नीतीश कुमार और उनका पूरा टीम लगातार कह रहा बा। हर कोई के जुबान से रुआ और सब बात छोड़ दी, 2005 से पहले के बिहार कैसन रहे, नीतीश कुमार 2005 में कैसे बिहार के लोग के आज़ादी दिओले, कैसे रात में बहू बेटी घूमे लगली, ये सारा बात के सुशासन के बात कर ले, न्याय के साथ विकास के बात कर ले, महिला लोग के आरक्षण देवे के बात कर ले, और महिला के मेन फ्रंट में ले आ करके खड़ा करे के बात कर ले। एक से तो इनकार ना कर सकी ले रुआ, जब चौक चौराहे पर जाए तो रुआ देखब कि महिला चाहे वो ट्रैफिक पोस्ट होके या फिर थाना में जाएं या अन्य जगह रुआ सुरक्षा में देखी, रात में जब 112 नंबर गाड़ी घूमेला तोनों में देखब कि महिला लोग के संख्या ज़्यादा बा। यानी कि नीतीश कुमार इस डर के निकाले के कोशिश करिए और जाना के दावा कर ले कि 18 साल से हम शासन में बानी, ओकरा पीछे के कारण ये बा। ए बीच में हो सकेला कि कुछ एने उन्हें गई हो कस, जाना के कहले भी कि हम बिछवा में एने उन्हें चल गए रही, अब कहीं ना जाए। एक स्वाभाविक गठबंधन कहल जाला कि NDA के साथ नीतीश कुमार के बा, लेकिन एकरा साथ साथ अब जबकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई बा, 7 चरण में चुनाव बा, 2 चरण हो गई बा, 3रा चरण के जब चुनाव प्रचार आज थम जाई ओकरा बाद का हुई। अब तक नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ ले, 5 सीट पर दूसरका चरण में सब सीट पर उनका चुनाव लड़ रहा है, जबकि गया में जीतन राम मांझी के काम समाप्त हो गई बा, 1 सीट उनका लगे रहे और 1 सीट पर उनका भविष्य कैद हो गई बा EVM में। अब उझाता दावा उनकर बा और उनकर खुशी बता रहा बा कि वो केंद्र में मंत्री बन रहा बा, यानी नरेंद्र मोदी के सरकार बनत रुए तो जीतन राम मांझी मंत्रालय मिली, ये बात खातिर वो आश्वस्त वाले। औरंगाबाद के बात करी तो औरंगाबाद में राजपूत समाज अंतिम में जागल, सारा दूरी खत्म कैलस और एकजुट भइल। अब ईजा के भी EVM में कैद हो गई बा, देखे वाला बात हुई कि लालू प्रसाद के जो प्रयोग रहे राजपूत वर्सेज कुशवाहा ओमें कितना सफल हो गई बा, 4 तारीख के परिणाम आई। जमुई के बात करी तो चिराग पासवान ऐजा खुद अपन जो 2 हाली के जीतल सीट रहे अपना बहनोई के यानी अपने जीजाजी के दिले और ये कहले कि हम ऐजा हमेशा मौजूद रहो, अरुण भारती जीत गए तो उनका साथे भी रहो, अरुण भारती ना भी जीत ले तब भी हम ऐजा साथे रहो, यानी कि वो एगो भरोसा दिवेले जमुई के जनता के कि जमुई के जनता के साथे बाल। इतना ना वो अपना 5ों सीट पर कहले कि हम 5ों सीट पर मौजूद रहो, भले ही हम हाजीपुर से सांसद चुन के आई लेकिन बाकी के हमारे जो 5 गो सीट बा ओकरो पर रहो, और एक साथ साथ अपना विजन के साथ हम 40ों सीट पर हाजिर बानी, जहाँ भी लोग हमरा के खोजी हो या हम पहुँचब, हमरा खातिर केहू आपन पराया नहीं के, और खास करके अपना जो क्षेत्र से जीता के लोग भेजी ओजा तक खातिर तो उत्तरदायित्व बढ़ले बानी, ओजा कर्मभूमि रही, लेकिन पूरा बिहार हमारा रडार पर बा, हमारा नज़र पर बा, और पूरे बिहार में जहाँ भी जरूरत महसूस हुई हम तैयार बानी। यानी कि एजा से चिराग पासवान अपन चमत्कार देखावे के कोशिश कैले। अब एकरा बाद अगर बात करी नवादा के तो नवादा में भी एक बार फिर से एक नया प्रयोग, और ये नया प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बदललस, हालांकि यह लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से चंदन कुमार 2019 में जीत के आई रहन, 2014 में भी यहाँ से भूमिहार समाज से ही गिरिराज सिंह रहन,
लेकिन अब की हाली पूरा विवेक ठाकुर के दे करके एक नया प्रयोग करी गई, तो वही राष्ट्रीय जनता दल भी यादव बहुल क्षेत्र, कारण कि यहाँ भूमिहार और यादव में कड़ा टकराव बा, ओकरा में एक नया प्रयोग कैलस कुशवाहा के दे करके कि यादव के वोट तो अबे करी, मुसलमान के वोट अबे करी, कुशवाहा के वोट आ जाई तो यह जीत पक्का हो जाई। लेकिन एजा खेल भंडोल हो गई, रुवालो को ये सब बात बतौले नहीं भारत लाइव पे, एजो बताए तनि कि एजा जनत तरीका से राजबल्लभ के परिवार विद्रोही हो गई, निश्चित रूप से एजा भी लड़ाई कड़ा हो गई बा। बात करी पाँच को सीट के, जो उनकी सीमांचल के सीट रहे, कोसी के सीट रहे, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, ये सब सीट पर लड़ाई कड़ा हो गई बा। और नीतीश कुमार के ग्राफ सीधे 50-50 बा, पसंगा जेने पड़ जाई उन्हें जीत हार हो जाई। यानी कि नीतीश कुमार ये जो पांच सीट पर बा, जब मेन लड़ाई से वो निकल गए बाहर, रोजान दैनी कि जब युद्ध होला और युद्ध में चारों तरफ से रुआ दुश्मन से घिर गई, वो चक्रव्यूह के तोड़ के जब निकल गई नी, तरुआ निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आवेला, और ये कॉन्फिडेंस तीसरा चरण में नीतीश कुमार के नजर आई। तीन सीट पर नीतीश कुमार तीसरा चरण में भी लड़ रहा बा, बाकी के दो सीट पर एगो लोक जनशक्ति पार्टी और एगो पर भारतीय जनता पार्टी बा। तीसरा चरण में झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, ये तीन गो सीट बा जो नीतीश कुमार के पास बा। अररिया और खगड़िया, अररिया बा भारतीय जनता पार्टी के साथ और खगड़िया चिराग पासवान के पास बा। एजा भी नीतीश कुमार के जलवा खूब देखे के मिलत, एजा लालू के लीला और नरेंद्र मोदी के जो गारंटी बा, वो गारंटी पर पसंगा के काम जो केहू करी अगर, तो ऊ बा नीतीश कुमार और चिराग पासवान। हालांकि ये और कई फैक्टर काम करता, कुशवाहा अपना सीट पर ज़्यादा चिंतित बा, कारण कि ओजा भी रुआ जानते बानी कौन तरह के लड़ाई हो गई बा। जीतन राम मांझी निश्चिंत हो गई बा, हालांकि वो चुनाव प्रचार में और अलग अलग जगह जा रहा बा। अगर बात करें तीसरा चरण के, तो तीसरा चरण में भी चुनाव कड़ा जरूर बा, लेकिन नरेंद्र मोदी के अला से और नीतीश कुमार के अपन एक्शन बदलला से ए पर भी असर पड़ी, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नीति और चिराग के चमत्कार एजा भी देखे के मिल सकेला। बात करी चौथा चरण के, तो इ मिथिलांचल के क्षेत्र के साथ साथ और भी कई क्षेत्र में चुनाव हुआ, जनामे दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चुनाव हुआ। मुंगेर में रुआ देख लो कब कि लगातार कैंप नीतीश कुमार कर रहा बड़े, ललन सिंह के हर हाल में जितावल उनकर एक जिम्मेवारी बा, और यह जिम्मेवारी के पूरा करे खातिर खुद नरेंद्र मोदी भी पहुँचा रहन। एक साथ साथ अगर बात करी तो आवे वाला जो चुनाव बाद चौथा चरण के बाद पांचवा चरण, ओकरा में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर के सीट बा। हमें सबके अलग अलग भी विश्लेषण करके बताई, कारण कि अब एजा से एक तारीख तक जब तक कि पूरी तरह से वोटिंग निके हो जात, तब तक रुवा लोग के साथे लगभग एक महीना हम लगातार बनी और रोज रुवा लोग से अब भेंट हुई। ये पूरे विश्लेषण में रुवा पांचवा चरण की अगर बात करें तो सीतामढ़ी में भी कड़ा लड़ाई रहे, रुआ देखले रहे कि चुनाव से पहले कौन तरह के बात भइल, लेकिन देवेश चरण ठाकुर एजा अपर हैंड लेके बढ़ल, कारण कि उनका टक्कर में अब वो समकक्ष, हालांकि उनका टक्कर में जन अर्जुन राय बढ़ल, अर्जुन राय पहले से सांसद रह भी चुकल बहन, लेकिन ये लड़ाई के डाइल्यूट करे में कहीं ना कहीं देवेश चरण ठाकुर सक्सेस हो गई बड़े, ये बात अब नजर आ रहा बा। मधुबनी के बात करी तो अशोक यादव, अली अशरफ फातमी, एजा भी एगो स्ट्रेटजिकल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बा राष्ट्रीय जनता दल से, जना से अशोक यादव थोड़ा सा अपर हैंड में बाँन। मुजफ्फरपुर के बात करी तो मुजफ्फरपुर में लड़ाई रुआ समझते बानी साफ चेंज हो गई बा। ये तो सबसे बड़ा ट्विस्ट हो बा, सबसे बड़ा ट्विस्ट ही बा कि जौन व्यक्ति के 2014 में अजय निषाद हरौले रहन भाजपा के सिम्बल पे, भाजपा के टिकट पे, आज वह आदमी अजय निषाद के साथ खड़ा बा, अजय निषाद के जितावे खातिर, उनका के सिंबल दिवावे खातिर प्रयास कैलस अखिलेश सिंह, जो उनकी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बा। और 2019 में जेकरा के 3 लाख से भी ज़्यादा वोट से हरौले अजय निषाद, आज उहे आदमी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लेकर के, कारण कि रुआ लोग को पता बा कि अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी ना बल्कि राष्ट्र कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, और उनका विरुद्ध में जो 2019 में उनका से 3 लाख वोट से हारा रहन राजभूषण निषाद, उ चुनाव मैदान में खड़ा बढ़न। अब ऐसा स्थिति में एजा बड़ा ही ट्विस्ट बा, देखना देखे वाला बात ही हुई कि अजय निषाद एजा कौन तरह के खेल खेलत रहन। बात अगर कही जाओ एकरा अलावे मुजफ्फरपुर के बाद सारण के, तो एजा सारण में भी पते बा कि राजीव प्रताप रूढ़ी वर्सेज रोहिणी आचार्य का लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई बा। कल तो यहाँ तक ले खबर चलत रहे कि दोनों के नॉमिनेशने कैंसिल हो गई बा, लेकिन ये सब बात से आगा अब
राजीव प्रताप रूढ़ी के कहना बा कि अगर या के जनता के कोनो काम के जरूरत पड़ी, कुछ करवावे के होके या कोनो तरह के पैरवी होके, तो कहाँ जाई, सिंगापुर जाई या फिर पटना जाई? कारण कि राजीव प्रताप रूढ़ी कहना बा कि हम तो एजे रहबे करीले। बात करी हाजीपुर के, तो हाजीपुर के लड़ाई रुआ पता बा कि दिलचस्प मोड़ पे बा या चिराग पासवान खड़ा बा, और यही चलते एहिजा भी चमत्कार निश्चित रूप से होके के अंदेशा लगावल जा रहा बा। कहीं ना कहीं इशारा है बात के वजह के जनता भी दिल बड़ी, कई गो एपिसोड हुआ देख ले हो कब कि संपादक नमन मिश्रा जी और वहाँ के जनता के साथ संवाद के बीच में आई जना के जवाब भी चिराग पासवान दिए, जना के लेकर के वजह के लोग में यूथ में काफ़ी खुशी बा, और यूथ वजह कनेक्ट चिराग पासवान से भइल बड़े। चिराग पासवान के कहल जा रहा बा कि तू जा और जगह अपन चमत्कार दिखाओ, हाजीपुर तरह के हमने जीता के भेजब जा। कितना एमें सफल हुई हैं ये तो आवे वाला वक्त बताई, लेकिन मजबूत लड़ाई है यह भी बा कारण कि यह शिवचंद्र राम के टिकट दे करके और खुद कैंप करके तेजस्वी यादव ये बात के एहसास करा रहा है कि चिराग पासवान के एजा से कड़ा टक्कर दिया जाए। बात करिए अगर छठा सीट के, तो छठा चरण में 8 सीट पर चुनाव है, जाना है वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। महाराजगंज में दिलचस्प लड़ाई बा कारण कि एजा से अखिलेश सिंह जो उनकी कांग्रेस के अध्यक्ष बा, उनका पुत्र आकाश सिंह एजा चुनाव लड़ रहा, पुरनके उम्मीदवार वाले भाजपा से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल। सिवान के बात करी तो सिवान में एक बार फिर से लड़ाई दिलचस्प हो गई बा, एजा से जनता दल यूनाइटेड अपन कविता सिंह जो सांसद रही है उनका टिकट काट के विजय लक्ष्मी के दलस जो कुशवाहा समाज से आवेली, रमेश कुशवाहा के पत्नी है जौन की हाल फिलहाल में मैंने कुछ दिन पहले 1.5 महीना 2 महीना पहले तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के, लेकिन अचानक से दोनों पति पत्नी ज्वाइन के लिए जदयू और उनका के टिकट भी मिलल। तो दूसरा तरफ अवध बिहारी चौधरी या से लड़ते रहे चुनाव, जानते नहीं अवध बिहारी चौधरी के जो विधानसभा के अध्यक्ष रहन। एकरा साथ साथ एगो नया ट्विस्ट बा कि या से हेना साहब चुनाव लड़ते रही और उनकर ग्राफ अब के लिए थोड़ा हाई बा, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला जैसे पूर्णिया में देखने हुआ वैसे ही एजा भी त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय हो गया बा। एकरा अलावा अगर बात करी गोपालगंज के, तो गोपालगंज में वीआईपी के सीट गई बा आलोक सुमन जो उनकी पुरनका जदयू से बाड़े सांसद भी बाड़े वर्तमान में, उनका सामने प्रेमनाथ चुनाव लड़ते हैं चंचल। अब देखे वाला बात हुई कि यह कितना लड़ाई दे पाते। वैशाली की बात करी तो वीना देवी फिर से कंटिन्यू करी बाड़ी, एजा से मुन्ना शुक्ला के आरजेडी से टिकट दिया गई बा। लड़ाई भूमिहार वर्सेज राजपूत ये अयो बा, तो देखे वाला बात हुई कि का होता। शिवहर के बात करी तो लवली आनंद वर्सेज ऋतु जायसवाल रहला, लेकिन इस लड़ाई में AIMIM के कूद गईला से ये लड़ाई भी दिलचस्प हो गई बा। कारण कि कहल जाता है कि शिवहर और सीतामढ़ी के खास करके वैश्य समाज के लोग में नाराजगी रहे कि दोनों सीट वैश्य के रहे, दोनों कैसे छीन लिहल गई। एकरा के लेकर के ऋतु जायसवाल के कहल जाता है कि जितावे खातिर लोग क्रिया खाता, लेकिन ये लड़ाई के दिलचस्प बनाने में AIMIM के बहुत बड़ा हाथ बा। एकरा अलावा अगर बात करी तो राधा मोहन सिंह वर्सेज राजेश कुशवाहा, इहो लड़ाई VIP के साथ बा, लड़ाई में बहुत कुछ नजर आवत नहीं है। बात करी संजय जायसवाल वर्सेज मदन मोहन तिवारी, कांग्रेस के जिम्मे सीट बा और कांग्रेस के जिम्मे सीट बा, तो संजय जायसवाल जैसे 3 हाल जीत गए, चौकड़ी मारे के फेरा में बढ़े और निश्चित रूप से चौकड़ी मारे में उनका कितना दिक्कत हुई रुआ लोग को पता बा। बात करी 7वां चरण के, तो एजा जबरदस्त लड़ाई बा। एजा के लड़ाई में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद बा। एकरा में नालंदा के सीट जदयू के पास बा, कौशलेंद्र कुमार बाड़े लगातार जीतत आवत रहे, CPIML के सौरभ बड़न, संदीप सौरभ उनका के टिकट दिया गई बा जौन की काफ़ी तेज तरार नेता बड़न, उनका कैडर वोट साथ साथ जौन RJD के और कांग्रेस के कोर वोटर बाड़े वो या वोट अगर दे दिए हैं तो नालंदा में कड़ा लड़ाई हुई। पटना साहिब के बात करी तो रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से बाड़े, अंशुल अभिषेक एजा कांग्रेस से आए बड़े बिल्कुल फ्रेश और नया चेहरा बाड़े युवा बाड़े, इनका दावा बा कि वो एजा से चुनाव जीती हैं। एकरा अलावे पाटलिपुत्रा के बात करी तो मीसा भारती बहुत मजबूती से अब कल चुनाव लड़ता रही, 3 उड़ाने तितिर होला, उनका कहना बा कि अब तीसरा बार बा अब तो चाचा जी के हम साइड कहिए देव। रामकृपाल यादव भी बहुत मेहनत करता रहे, लेकिन मीसा भारती के ग्राफ एजा धीरे धीरे करके हाई हो रहा बा, लेकिन एकरा में खास करके 2 आदमी के भूमिका बहुत जबरदस्त हुई। भाई वीरेंद्र कितना वोट के ट्रांसफर करा सकता रहे, और एकरा अलावे रीतलाल यादव कितना मीसा भारती खातिर मेहनत करता रहे, ये 2 फैक्टर बहुत जबरदस्त काम करी। आरा के बात करी तो आर के सिंह बिना कोनो हिल हुजत के चुनाव में खड़ा बाड़े, सुदामा प्रसाद जो कि CPIML से बाड़े उनका से उनका टक्कर बा, पिछला हाल भी CPIML से उनका टक्कर रहे, चुनाव जीत गए ले, तीसरा बार उनका मौका मिलल बड़ू है, देखे के बाकी हैट्रिक मारत रहे कि का करता रहे, हालांकि उनका बहुत कॉन्फिडेंस में बाड़े। बक्सर के बात करी तो एजा प्रत्याशी चेंज भइल बाड़े,
अश्विनी चौबे के जगह पर मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी से, तो सुधाकर सिंह बारे एजा से चुनाव लड़ता है, लेकिन यह चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया बा ददन पहलवान के अलावा एजा से और भी कई लोग चुनाव लड़ल बा। अनिल सिंह चुनाव लड़ल बड़ा BSP से, तो ये एक IPS भी एजा से चुनाव लड़ रहा बड़ा आनंद मिश्रा। ये चुनाव के पूरा दिलचस्प बनावे में ये सब लोग के बड़ा हाथ बा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुआ जानते बानी कि अपर हैंड में चल रहा भोजपुरिया समाज हो, ब्राह्मण समाज के बारे, और या ब्राह्मण समाज वोट के इन्फ्लुएंस करेला, जीत हार के आंकड़ा उहे तय करेला। अब देखे वाला बात हुई कि ब्राह्मण समाज कितना ज़्यादा एग्रेसिव वोटिंग करता, कारण कि एक गुस्सा जरूर रहे शुरुआती दौर में अश्विनी चौबे से, वो गुस्सा के शांत करे खातिर भारतीय जनता पार्टी नया फॉर्मूला सेट कैलस। युवा बाड़न और काफ़ी मिथिलेश तिवारी संगठनिक तौर पे मजबूत व्यक्ति बाड़न, उनका कहना ये हो बा कि बनारस रुआ देख लेनी कैसे प्रधानमंत्री जी बनारस के बनारस बना देनी, एक पहचान देनी, वैसे ही बक्सर के बनारस से कम ना बनाई। 5 साल में क्या करी हैं, जीती हैं, हरी हैं, ये तो अलग बात बा, लेकिन बक्सर में माहौल बदल रहा बा। मिथिलेश तिवारी एक बार फिर से लोग के बीच जा करके और सारा मामला के धीरे धीरे सेटल करके फिराक में बाड़न। बात करिए जैसे सासाराम के, तो सासाराम में बहुत बड़ा लड़ाई निके, या भी उम्मीदवार चेंज होल बा सुवेश राम बाड़े BJP से, और मनोज कुमार के जैसे टिकट दिया गया बा कांग्रेस के तरफ से। एजो लड़ाई बहुत बड़ा निके, एजा के लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रहा बा। काराकट के बात करी तो एजा के लड़ाई फिर दिलचस्प हो गई बा। काराकट में उपेंद्र कुशवाहा वर्सेज राजा राम कुशवाहा के चुनाव बा। ए बीच में पवन सिंह के अला से दिलचस्प मोड़ पर आ गई बा, लेकिन राजपूत समाज अचानक से पवन सिंह के छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा के तरफ शिफ्ट हो गई बा। कारण कि राजपूत समाज में बहुत सारा ऐसा नेता बाड़े जौन अगिला आवे वाला 2029 में चुनाव हुई, वो चुनाव के इंतजार कर रहा बा कि उपेंद्र कुशवाहा के और बड़ा सीट मिल सकेला, और कुछ हो सकेला, बदलाव हुई तो ये कुशवाहा से राजपूत के तरफ जाई। अगर पवन सिंह एजा से जीत गई तो मुश्किल हुई राजपूत समाज के जो नेता हो जमीनी मेहनत कर रहा बाड़े। एकरा के लेकर के भी मामला डाइल्यूट हो रहा बा और उपेंद्र कुशवाहा के तरफ फेवर में माहौल बन रहा बा। एकरा अलावा जहानाबाद के बात करी तो यह भी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर बा। 2019 में का भइल रहल के पता बा, बहुत कम से हार जीत भइल रहे, सबसे कम से हार जीत 1700-1800 वोट से एजे भइल रहे। अब के वाली भी लड़ाई कड़ा रहा, लेकिन अचानक से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ये दावा करके कि 1800 दिन में ये पूरे मतलब अपना क्षेत्र में 1800 दिन में वो अधिकांश दिन लगभग 1600 दिन वो एक क्षेत्र में रहल बाड़े, लोग से मिलल बाड़े, बहुत सारा काम किले बाड़े जौन की नज़र आ रहल बा। अभी बहुत सारा काम करे के बा, एक मौका उनका और चाही जहानाबाद के तकदीर बदले खातिर, तस्वीर बदले खातिर, और एकरा खातिर वोट मांग रहल बा। सुरेंद्र यादव उनका विरोध में बाड़न, सुरेंद्र यादव के लेकर के बहुत सारा बात बा। अब देखे वाला बात हुई कि भूमिहार समाज, सवर्ण समाज, खास करके जौन 36% EBC वाले, उनका कितना सपोर्ट करता, यानी कि पूरा के पूरा अगर लड़ाई देखी तो ये लड़ाई 50-50 रहा है, जो धीरे धीरे 49-51 के हो गई बा। आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ी कैसन रंग लेता, कैसन रूप लेता, ये देखे वाला दिलचस्प बात हुई। लेकिन लालू के लीला और मोदी के जो गारंटी बा, वो गारंटी पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के जोड़ी भारी पड़ रहा बा। दोनों में बहुत लंबा समय के बाद फिर से दोस्ती भइल बा, और जानता नहीं हुआ कि दोनों के दोस्ती बड़ा काम के होला। एकरा पहले भी 2014 में रुआ देख चुकल बानी, 2019 में देख चुकल बानी कि ई लोग आपन वोट ट्रांसफ़र करवावेला। चिराग पासवान के वोट भी ट्रांसफ़र होला और नीतीश कुमार के वोट भी ट्रांसफ़र होला। ये विशेषता बा जोना के लेकर के रुआ लोग के सामने आई रही। अब लगातार रुआ लोग से असहिम भेंट होत रही और पूरे चुनाव रुआ लोग के सोझा हम आवत रह। गलती सही हुई माफ़ कर देव सब है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब सब है कि रुआ लोग के ये एपिसोड कैसन लागल, आगे रुआ का जानल चाहतनी, कौना क्षेत्र के बारे में कौना तरीका के समीकरण जानल चाहतनी, का समीकरण बा, रुआ लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकी ले कि रुआ क्षेत्र में केकर हवा चल रहा बा, गोर लागतनी।